इतने बजट में अगर मुझे गाड़ी मिल रही है वरना मैं बुलेट लेने जा रहा था। अच्छा हाँ, और आज के टाइम में तो शायद मैंने स्कूटी सुना है, अभी मैं गया था स्कूटी जुपिटर लेने के लिए, 1,11,000 रुपए का तो स्कूटी है। शोशेबाजी को साइड में रख के अपना जो डेली रूटीन है उसमें अपने आप को सेव करा है, उसके साथ पैसा भी बचा रहे हैं। फिर मैं बुलेट ही चला रहा होता और अभी बारिश में धूप में सब जगह सहन करता हुआ हेलमेट लगा के आ रहा होता। आज की वीडियो उन लड़कों के लिए है जिनकी नई नई जॉब लगती है और जॉब लगने के बाद उनकी इच्छा जागती है बुलेट खरीदने की। आज उनको एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो बुलेट क्या 50 का एवरेज देने वाली मोटरसाइकिल से भी कम खर्चे में चल जाती है और उससे कम प्राइस में आ जाती है, और वो गाड़ी है हुंडई की इयोन, कुलदीप की गाड़ी है। कुलदीप बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं इनके डिसीजन से, क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। 2020 की बात है, कोविड का टाइम चल रहा था, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे उन्होंने गाड़ी लेने का डिसीजन लिया, और होता क्या है कुलदीप भाई पहले पैशन प्रो चलाते थे, उन्होंने उसके बाद 2020 के लास्ट में एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का डिसीजन लिया, वो है हुंडई की इयोन 2017 मॉडल है। आप मुझे एक बात बताओ कि उस टाइम कितने की ली थी? 250 की। 250 की ली थी, और 250 में हुंडई वालों ने इसमें CNG लगा के दी थी, और ये डेमो कार थी। उस टाइम पे कितनी चली हुई थी? 27,000 के आसपास चली हुई थी। बात ये हुई कि इन्होंने इसी से गाड़ी चलाना सीखा, और सीखने के बाद ये मेरठ से नोएडा डेली करते हैं, ठीक है। आज हम नोएडा में हैं, ये आए हुए हैं मेरठ से, इनका ऑफिस भी नोएडा में है। इतना पसंद आई ये गाड़ी इन्होंने बाइक चलाना छोड़ दिया। बाइक छोड़ने का रीजन सिर्फ कार में घूमना नहीं था, साथ के साथ बाइक से कम खर्चे में गाड़ी चल रही थी। मुझे एक बात बताओ, बाइक में कितना खर्चा आता था और इसमें कितना आ रहा है अभी? बाइक में 350 से 400 के बीच का, डेली का। अच्छा। इसमें 280-290। अच्छा, ये है CNG में। बाइक में आपका कितना क्या एवरेज देती थी? बाइक 50 का एवरेज देती थी। और ये कितना दे रही है CNG में? ये 32-33। 32-33 विदेशी? यस। और क्या लोगे यार, आप देखो बाइक से ज्यादा सेफ है फोर व्हीलर चाहे कुछ भी हो, और बारिश में धूप में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और उस टाइम पे जब कोविड की वेव चल रही थी ना, उस टाइम पे अपनी पर्सनल गाड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उस टाइम पे कोविड के बाद सेकेंड हैंड मार्केट में इतना तगड़ा बूम आया है, मुझे लगता है कि ये आज भी उस प्राइस में निकल जाएगी। क्या कहते हो? नहीं नहीं, ज़्यादा में जाएगी। ज़्यादा में जाएगी? हाँ। पक्का? पक्का। और इन्होंने जब गाड़ी ली थी 27,000 के आसपास चली थी, अब ये गाड़ी कितनी चली है आप गैस नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताता हूँ। 1,36,000 चला दी है। इतना टाइम बाइक में गुजारते तो आपका क्या थोबड़े का हाल होता? आप क्या बोलना चाहोगे नए लड़कों को जिनकी अभी अभी जॉब लगी है? नहीं, जॉब भी लगी है, और अगर वो चाहते हैं कि सस्ते में अपनी चार जनों को बैठ के कहीं चले भी जाएं, तो हाँ। मुझे तो लगता है यही बेस्ट है। अच्छा, आप इसमें कहाँ कहाँ होके आए हैं? मैं इससे जयपुर चला गया हूँ, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश। तो CNG में पहाड़ों में दिक्कत करती है या पेट्रोल में ही चलाते हैं? कोई दिक्कत नहीं करती। अच्छा। बस कभी कभी छोटे छोटे टर्न आते हैं वहाँ पे, लगता है कि थोड़ा कम है, जहाँ रुक जाती है। अच्छा, तो पेट्रोल पे चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रुकती है सीधे चलते चले जा रहे हैं पहाड़ पे तो CNG पे भी जाती है। देखिए, साइज में काफी छोटी कार है ये, नो डाउट। बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ। इसमें जो सिलेंडर है उसके बाद कितना स्पेस मिलता है वो दिखाता हूँ आपको। ये इसका सिलेंडर है, ये है इसकी स्टेपनी, और ऊपर इन्होंने ट्रे लगा रखी है। इसके ऊपर क्या सामान आ जाता है आपका? हाँ, इसमें मिनिमम साइज का जो वो सूटकेस आता है, हाँ, वो पूरा का पूरा रख के आता है, प्लस सारे बैग इधर आ जाते हैं, हमारा पूरा ये ढक जाता है। अच्छा, मतलब पूरा सामान आ जाता है ऐसे। मतलब आप ट्रैवल भी कर सकते हो? हाँ, ट्रैवल किया है मैंने इसमें सामान रख के। अच्छा, और देखो नीट एंड क्लीन गाड़ी है, और टायर आपने लगाए हैं बाद में? हाँ, लेने के? हाँ हाँ, लेने के बाद चारों टायर नए लगवाए। सर्विस कॉस्ट के बारे में बताओ, आपने 1,36,000 बहुत चला दिया और बहुत बार सर्विस भी करवाई होगी। हाँ। कभी बाहर से करवाई है? एक दो बार कराई है। अच्छा, और बाहर और हुंडई में कितना अंतर आता है? 800-900 बस। हाँ, हुंडई में कितना खर्चा आता है ये भी बताओ? हुंडई में 3,500-3,000 के आसपास बस। हाँ, क्या बात कर रहे हो, उतनी तो उनकी लेबर कॉस्ट होती होगी 2,000 के आसपास। नहीं नहीं, उनकी लेबर कॉस्ट होती है 1,800, मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, प्लस मुझे मोबाइल और एयर फिल्टर का वो पैसा देना होता है, वो लमसम आता है 1,600-1,700 रुपए का। कोई मेजर काम करवाया आज तक? हेड किया था इसका। अच्छा, गैस उसमें कितना खर्चा आया था? 10-12,000 रुपए का। वो भी हुंडई में हुआ? हाँ, हुंडई में सब कुछ हुंडई से। कभी ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में रुक गई हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आज तक। देखो यार, और क्या चाहिए, इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इसका, इधर आओ।
देखो जो क्विड आती है ना, क्विड से काफी अच्छी है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, और इन्होंने जो है एंड्रॉइड सिस्टम भी लगा रखा है, सीटें काफी कंफर्टेबल है, स्पेशली आगे वाली। एक और चीज मैं दिखाता हूँ, इधर आओ, चलो मैं बैठ के ही दिखाता हूँ, ठीक है। इस गाड़ी का अंडर थाई सपोर्ट देखो आप, मेरे जैसे बंदों के लिए इतना अच्छा मिल रहा है, ठीक है, भले ही मुझे लेग रूम ना मिल रहा हो, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट 5.5 फीट की हाइट के लोगों के हिसाब से बहुत तगड़ा है, उनको पूरा कंफर्ट मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है, इतनी चल चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये 30-40 हज़ार किलोमीटर चली होगी, देखने से तो ऐसा लग रहा है। अब इसका इंजन बे दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा कुलदीप भाई, साथ के साथ ये भी बताओ कि पेट्रोल में क्या एवरेज देती है ये गाड़ी? पेट्रोल में ये मुझे लगता है 15 के आसपास दे देती है। 15 के आसपास देती है, बस मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पेट्रोल पे कभी चेक नहीं किया, मैं टू टैंक भरवाता हूँ, और उसमें सीएनजी भी चलती है, बीच बीच में जब टैंक फुल करा लिया तो सीएनजी भी आती है 2G। अच्छा, तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन बस इतना मुझे लगता है कि इतना दे देती होगी। देखो इसकी जो सीएनजी ना हुंडई के ऑथराइज सर्विस सेंटर में लगी है, मतलब कि हुंडई ने लगा के दी थी इनको, और नीट एंड क्लीन है, और इंजन की कंडीशन भी ठीक ठाक है। एक बार इसका हेड खुला था, वो सीएनजी गाड़ियों का लगभग खुल ही जाता है, और इन्होंने चला भी काफी ज्यादा दी है। उसके बाद कैसी चल रही है हेड के काम के बाद? बहुत बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने वाले हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि देखो 2017 मॉडल है, 5 साल इस गाड़ी को हुए हैं, 10 साल ये गाड़ी और चल सकती है। अच्छा साथ के साथ ये भी बताओ कि बाहर जो सर्विस करवाई थी, हाँ, उसमें कितना खर्चा आया था आपका? बाहर जो सर्विस कराई थी मैंने गो मैकेनिक से, वो उनका एक कॉस्ट देते हैं वो कि आपको 2500 में करके देंगे, हाँ, तो उन्होंने वो 2500 में करके दी थी। सेटिस्फाई थे आप? नहीं। क्यों? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि वो जो मोबियाई यूज़ करते हैं वो 800-900 रुपये वाला करते हैं। अच्छा, और मैं इसमें जो हुंडई से डलवाता आ रहा हूँ कैस्ट्रोल वगैरह का, वो 1400-1500 का, और मैंने जो एक बार अपनी पर्सनल मैंने एक मैकेनिक से सर्विस कराई थी तो 1800 का आया था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा अच्छी भागती है वो। आपको डिफरेंस फील होता है कहने का मतलब ये है? रेस पे पकड़ने में जो स्मूथनेस आनी चाहिए वो जो अभी आती है हुंडई से सर्विस कराने के बाद, वो मुझे बाहर से कराने पे नहीं आई, तो फिर मैंने कभी कराई नहीं बाहर से। इसमें टायर कितने के लगे थे जब आपने लगवाए थे? जब मैंने टायर लगवाए थे इसमें 2700 रुपए का एक टायर था। 2700 का बस? हाँ। और 13 इंच के आते हैं ना इसमें? 13 इंच के, हाँ, इसमें 13 इंच आते हैं, इससे नीचे वाले मॉडल जो है उनमें 12 इंच आते हैं। ओके, ये कौन सा वेरियंट है? ये मैग्ना प्लस। मैग्ना प्लस वेरियंट है। और जो ब्रेक पैड वगैरह लगते हैं उसका कितना खर्चा आता है? ब्रेक पैड इसमें लगे हैं 850 रुपए के। हैं? 850 रुपए के बिल है मेरे पास इसका। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कंपनी से ही लगवाया मैंने, जो अभी मैंने सर्विस कराई है उसी में ही लगे हैं ये अभी। भाई साहब बहुत गलती करोगे आप लोग अगर टू व्हीलर लोगे तो, ऐसी गाड़ियां मार्केट में होने के बावजूद भी। आइए आप चलाते चलाते बात करते हैं। देखो गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ गए हैं, क्विड से काफी अच्छी इसकी क्वालिटी लगी मुझे, नो डाउट, और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हुंडई की एंट्री लेवल कार है। क्वालिटी वाइज, साइज वाइज तो लग रहा है, क्योंकि मेरा जो कैमरा मैन है वो 6 फीट 2 है, उसकी हाइट हमारे कंधे आसानी से टकरा सकते हैं। मेरे बैठने के बाद कुलदीप को कितना स्पेस मिल रहा है? मुझे आराम से, मैं बैठ के जा सकता हूँ। हाँ, इसमें गाड़ी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओके, स्टार्ट होने के बाद ये सीएनजी में आ गई है, और तेल ये ना फुल भरा के रखते हैं, पेट्रोल कोई कंजूसी नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि इससे मैं अपग्रेड कर लूं गाड़ी को? मेरे को लगा एक बार, मैं मथुरा वृंदावन में गया था, वहाँ एक पहाड़ है, मंदिर पहाड़ पे था, तो मुझे पता लगा कि वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, जाने लगी हैं अब पहाड़ पे, तो मैं वहाँ गाड़ियों की मतलब देख रहा था, वहाँ वन वे चढ़ाई होती है, वन वे उतरते हैं, फिर मतलब एक बार चढ़ाई पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं और दूसरी बार उतरती हैं। अच्छा। तो मेरा जब नंबर आने वाला था तो मेरे से आगे एक क्विड थी, वो चढ़ा नहीं पाया था, बीच में जाके उसकी गाड़ी रुक गई थी। अच्छा। तो मुझे भी लगा मेरी भी रुक जाएगी, मगर वहाँ जाने के बाद जब मैंने उसके आगे ओवरटेक किया और मैंने चढ़ाना शुरू किया तो मेरी पहले गियर में ऊपर तक चलती ही चली गई, रुकी ही नहीं। अच्छा, मेरे आगे कोई था नहीं, क्योंकि क्विड वाले ने सबको रोक के रखा था, तो मैं उससे आगे निकलती, उसकी तो चढ़ी नहीं, तो वो वहीं खड़ी करके चला गया था, पर मेरी ऊपर तक गई तो मुझे ऐसा लगा, अरे वाह ये तो छोटी गाड़ी है लेकिन चली गई ऊपर तक। अच्छा, फिर मेरा वो दिमाग से निकल गया, अब लगता है कि अभी थोड़ा नहीं, अभी इसी को चलाना, जब तक इसमें मेजर कोई ऐसा काम नहीं आएगा तब तक इसी को चलाऊंगा। इसने पैसे वसूल कर दिए अभी तक? मुझे तो लगता है, मेरे को भी लगता है कि पैसे कब का इसने वसूल कर दिए थे। 1,00,000+ चला दिया आपने तो जब से आपके पास आई है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1,36,000 किलोमीटर। अब क्या सीन है, हम लोग 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, एसी मैंने ऑन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और सीएनजी में गाड़ी चल रही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है चलने, आराम से 70 80 90 की स्पीड में आप इसमें क्रूज कर सकते हैं हाईवे के अंदर। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं क्या फील कर पा रहा हूं, जो ऑल्टो 800 और जो क्विड 800 के अंदर जो नॉइज आती है ना, वो इसमें नहीं है। इस चीज में हुंडई को तो मानना पड़ेगा यार, बड़े प्यार से चल रही है सीएनजी में, पैडल का रिस्पांस फील हो रहा है। हालांकि एक्सेलरेशन उस लेवल का नहीं है, 800 सीसी के इंजन से आप सीएनजी में तीन लोगों के साथ विदेशी कोई इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी। और एक चीज और, इन्होंने यहाँ पर देखो प्लांट लगाया हुआ है, ये ऐसा क्या, मतलब क्या लॉजिक है इसका? ये हम दो तीन लोग ऑफिस आते जाते हैं तो हमने ना अपनी दोस्ती का एक प्लांट रखा हुआ है इसमें। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये इसमें सब पानी देते हैं, रोज सुबह को अपने घर से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आते हैं। अच्छा, हर दूसरे दिन इसको पानी देते हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर? हाँ, ये जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है ये इसी में रहता है। सही, कोई दिक्कत नहीं होती इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट से? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं यार। डेली कम्यूट करने के लिए कितनी बढ़िया गाड़ी है यार ये, मतलब जो इनका डिसीजन है सीएनजी के साथ, और फैक्ट्री फिटेड तो नहीं कह सकते लेकिन ऑथराइज हुंडई के डीलर के थ्रू ये फिट होके मिली। वैसे हुंडई थर्ड पार्टी से ही करवाती है। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने उनसे उस टाइम पे पता किया था। हाँ, तो मुझे ये अगर मैं खुद से जाता वहाँ पर कराने इसमें सीएनजी लगवाने, तो वो मुझे पेपर वगैरह करा के ऑन पेपर रिकॉर्ड करा के 24,000 की लगाते। और आपके उस टाइम पे कितनी? मुझे हुंडई वालों ने इसका बिल दिया था 27,000 रुपए। 27,000 रुपए? हाँ, अब वो बिल मेरे 2.5 लाख में ही इंक्लूड था। मतलब ये कितने की भी लगे सीएनजी मुझे मतलब नहीं था, मुझे 2,50,000 बस देने थे और गाड़ी लेके आनी थी। डेमो कार लेते वक्त आपको डर नहीं लगा क्या? नहीं सर, मैंने तो आपकी वो देखी थी वीडियो। कौन सी? बहुत सारी वीडियो देखी थी आपकी, जिसमें सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, वो चेक करने के तरीके। अच्छा। मैं यूट्यूब से देख रहा था रोज। हाँ, अब वो देखते ही देखते मैं डेमो तक पहुंच गया। अब मुझे लगा कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने बजट में अगर मुझे गाड़ी मिल रही है, वरना मैं बुलेट लेने जा रहा था। अच्छा। हाँ, और आज के टाइम में तो सर मैंने स्कूटी सुना है, अभी मैं गया था स्कूटी जुपिटर लेने के लिए, 1,11,000 रुपए का तो स्कूटी है। 1,11 में अगर स्कूटी आएगी और 2.5 लाख में गाड़ी आएगी, तो स्कूटी और गाड़ी में कितना अंतर है? उसको लेके हम कहीं जयपुर नहीं जा सकते, ना ही पहाड़ों पे चार जने घूमने जा सकते उसको लेके। इसको लेके हम कहीं भी जा सकते हैं। देखो यार, एक बात बताऊं, ये गाड़ी देख के, इस गाड़ी में बैठ के, इस गाड़ी को चलाकर, इनका सेटिस्फेक्शन देखकर, इनकी बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पैसे बचाए हैं इन्होंने। इन्होंने शोशेबाजी को साइड में रख के अपना जो डेली रूटीन है उसमें अपने आप को सेव करा है, उसके साथ पैसा भी बचा रहे हैं। ठीक है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और आप लोगों के पास भी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपका खूब पैसा बचाती है, तो मुझे मेल करो, आपकी स्टोरी भी कवर करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की कोई टेंशन नहीं, व्हील बेस छोटा सा कहीं से भी निकल जाती है, सस्पेंशन है सॉफ्ट, राइड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है। हाँ, अब एक बात ये है कि आपको हाईवे पे वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन 80-90 चलाओ ना दोस्त, उससे ऊपर चलाने की क्या जरूरत है सर। 100 पे भी इसमें बहुत आराम से जाती है ये। हाँ। और ब्रेक भी बहुत आराम से लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे 100 पे भी। अपने मैं मेरठ से नोएडा जब हाईवे से करता हूँ आना जाना रोज, तो मैं 90-100 आराम से चला पहुँच भी जाता हूँ, और आराम से मेरी गाड़ी 100 पे भी आराम से चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। उससे ऊपर जाने पर मुझे फील होता है कि थोड़ा सा मतलब कंट्रोल नहीं हो पाएगी गाड़ी, अगर अचानक से मैं ब्रेक दूंगा तो। देखो, अब आपको आदत हो गई है इस गाड़ी की। हाँ। आप इसको 150 में चलाओगे ना, आपको पता है कैसा बिहेव करेगी। इसके सस्पेंशन का काम आया है क्या अभी? नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं। और अभी भी सही चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें ऐसा लग रहा हो कि सस्पेंशन का काम आया, आने वाला है या कुछ है। गाड़ी भी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन करी है यार, गड्ढों में कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है गाड़ी के अंदर से, मान गए भाई। आपको आप ही की बदौलत ले ली मैंने, अगर आप YouTube पे वीडियो नहीं डालते ना तो मैं लेने भी नहीं जाता फिर गाड़ी, फिर मैं बुलेट ही चला रहा होता और अभी बारिश में धूप में सब जगह सहन करता हुआ हेलमेट लगा के आ रहा होता। देखो यार, आगे की सीटें बड़ी कंफर्टेबल है, मैं ये कहना चाहूँगा, काफ़ी गद्देदार सीटें हैं, कुशन अच्छा है सीटों के अंदर। मेरे जैसे बंदे को अगर कम्फर्ट मिल रहा है तो आपको तो मिल ही जाएगा, मतलब कि जो मेरे से कम हाइट के। सर, मुझे इतना पता है, जो वैगनार है मेरे एक परिवार में किसी पे। हाँ। तो वो अपनी वैगनार से उतर के। हाँ। मेरी गाड़ी में बैठा। हाँ।
और बैठते ही उसने ऐसे फील किया, मुझे बोला है भाई जी आपकी गाड़ी की सीट कितनी अच्छी आ गई। वो उधर आके बैठा था, ड्राइविंग मैं कर रहा था, वो उधर आके बैठा था बस। उसने आते ही बोला कि मैं अपनी गाड़ी में ऐसे करके बैठता हूँ वैगनार में आगे, और तुम्हारी गाड़ी में ऐसे लेट गया हूँ आगे पूरा। पता नहीं भाई, मैंने वैगनार तो कभी देखी नहीं, ऐसे बैठा के बैठ के खुद देखा नहीं है। एक और चीज आगे देखो, हाँ ये रोड इतनी सी है और बाकी गाड़ियों में क्या करना पड़ता है ना कि रिवर्स लेके वो करना पड़ता है, एक बार में घूम जाएगी देखना। ये चीज मैंने नोटिस करी है इसमें, ये देखो। बाकी गाड़ियां एक बार आगे पीछे करनी पड़ती है, उसके बाद जो है यू टर्न ले पाते हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन है यार आपका, मानना पड़ेगा। देखो रिलायबल भी है ये गाड़ी, नो डाउट। पहाड़ वहाड़ घूम के आ गए इसमें ऐसी ऐसी जगह पे तो क्या दिक्कत है। और डेली डेली बस के खर्चे में चल रही है, डेली चलती है ये 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर हाँ डेली का रहना इसका 180 किलोमीटर। देखो सीएनजी में ना क्लच आप धीरे धीरे रिलीज करोगे तो ये बिना एक्सीलेटर पेडल के इनपुट से चल जा रही है, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लंबा रन है, बाइक सेफ नहीं है, चाहे कोई सी भी बाइक हो आपकी, चाहे वो 10 लाख की बाइक क्यों ना हो, ठीक है। ऐसी गाड़ियों में पैसा लगाओ, अपने आप को भी सेफ रखो। घर वाले भी चिंता करते होंगे बाइक लेके जाते हो इतने दूर दूर, तो गाड़ी ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लगी यार कुलदीप आपकी डील ना मेरे को ये, और ये गाड़ी भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आने के लिए इतनी दूर से।